हाँ जी हाँ जी, तो भैया आईपीएल अब कब होगा? यह आज का सबसे बड़ा सवाल सबके मन में होगा कि भैया आईपीएल अब होगा भी या नहीं, और होगा तो कब होगा। ये सारे सवालों के जवाब दूंगा मैं इस वीडियो में आपका दोस्त। तो वीडियो पूरी देखना, लास्ट में बताऊंगा कब होगा आईपीएल, और आईपीएल हाँ होना है, पोस्टपोन हुआ है, कैंसिल नहीं हुआ है, पर कब होगा, कब प्लेयर्स के पास है टाइम, कब एक छोटी सी विंडो मिलेगी, कब मिलेगा एक स्पेस जहाँ पे खिलाड़ी सारे होंगे फ्री, सब बताऊंगा इस वीडियो में। तो वीडियो पूरी देखना, लास्ट में बताऊंगा कि कब होने वाला है आईपीएल का अगला पड़ाव। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो वेलकम बैक टू माई चैनल दोस्तों। तो दोस्तों आज तो कहने के लिए कुछ है नहीं, प्रिडिक्ट करने के लिए कुछ बचा नहीं है, सब कुछ आपको पता ही है कि क्या से क्या हो गया है। तो दोस्तों जो मैं आपको बता देता हूँ, फिर भी आज जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, वो तो सबसे पहली न्यूज़ जो आ रही है क्रिकेट जगत से, वो यही आ रही है कि भैया आईपीएल हो गया है सस्पेंड। सस्पेंड हुआ है दोस्तों, कभी ख़त्म नहीं हुआ है। तो आप ऐसा ना सोचे कि इस बार का आईपीएल जो है दोस्तों वो नहीं होगा। आईपीएल बिल्कुल होगा, IPL 14 हो सकता है। अभी उसको हमने कैंसिल नहीं किया है, सिर्फ पोस्टपोन हुआ है दोस्तों। तो उम्मीद छोड़नी नहीं है बिल्कुल भी। अभी 3-4 महीने का ब्रेक लगा है, ऐसा ब्रेक पहले भी लग चुका है, जैसे कि आपने देखा होगा पाकिस्तान प्रीमियर लीग में भी हुआ था पिछले साल, उनके कुछ मैच बचे थे, फिर उन्होंने 2-3 महीने बाद जब थोड़ी सी कंडीशन सही हो गई थी फिर दोबारा करवा दिया था। तो उसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, पर ये तो होना ही था दोस्तों, क्योंकि किसी भी जान के साथ आप नहीं खेल सकते। प्लेयर इतनी दूर दूर से आए हैं, अपनी फैमिली से दूर हैं, और अगर इस तरीके की पेंडेमिक अगर वहाँ भी पहुँच जाती है और कोविड उनको हो रहा है, तो भैया किसी के लिए भी इसके लिए रिस्क लेना बिल्कुल बनता नहीं था। बिल्कुल सही डिसीजन लिया है बीसीसीआई ने कि अपना आईपीएल जो है पोस्टपोन कर दिया है फिलहाल के लिए, कैंसिल नहीं किया है। मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ आपको, तो आईपीएल हो सकता है। कब होगा ये आईपीएल, ये भी बताऊँगा मैं, टेंशन नहीं लेनी, सब बताऊंगा। तो दोस्तों जैसे ही खबर आ रही है कि अभी तो आईपीएल हो गया है पोस्टपोन, पर अभी जो दूसरी न्यूज़ निकल के आ रही है इसी बीच, जो कि थोड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है, वो निकल के आ रही है बीसीसीआई की तरफ से कि आईपीएल दोस्तों जो होगा वो होगा वर्ल्ड कप के बाद। उसकी थोड़ी सी उम्मीद है कि वहाँ पे फिलहाल हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं है, पर अभी जो एक न्यूज़ आ रही है निकल के वो यही आ रही है कि भैया वर्ल्ड कप के बाद, और T20 वर्ल्ड कप जो कि अक्टूबर नवंबर में होना है, उसके तुरंत बाद ही आईपीएल के जो बचे हुए मैच हैं ये हो सकते हैं, क्योंकि तब जाके थोड़ी सी विंडो मिलती है, स्पेस मिलता है, खाली दिन मिलते हैं जहाँ पे इंडिया के यहाँ पे प्लेयर्स खाली हैं जो कि मैच खेल सकते हैं। क्योंकि अभी तो देखो दोस्तों बिजी हैं सब, क्योंकि जो अगली न्यूज निकल के आ रही है वो ये आ रही है कि जून में तो भैया है एक वर्ल्ड चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल, तो टीम है बिजी। उसके बाद एशिया कप होगा, उसके बाद श्रीलंका का टूर है, इंग्लैंड का टूर है, तो उसके बाद तो बिल्कुल टाइम है नहीं। तो टाइम इंडिया को जो मिलेगा वो मिलेगा वर्ल्ड कप के बाद, तब जाके जो हो सकता है दोस्तों कि थोड़े से वहाँ पे मैच मिल जाएं खेलने के लिए आईपीएल के। पर आईपीएल भी वहाँ पे अगर शॉर्ट में करना होगा, जैसे कि डबल एडर होने होंगे, डबल 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 ही होगा, सिंगल सिंगल वहाँ पे करेंगे, तो इतना दिन बसते नहीं है, डबल डबल ही खिलाने पड़ेंगे ताकि जल्दी जल्दी 10 दिन के अंदर ये मैच जो है ख़त्म हो और ट्रॉफी जो है जिसके पीछे हो रही है वो हो जाए। तो ये थी दोस्तों आज की 3 बड़ी खबरें। वहीं जो चौथी न्यूज़ निकल के आ रही है वो आ रही है क्या, वो आ रही है श्रीलंका बांग्लादेश की तरफ से दोस्तों। जी हाँ, श्रीलंका बांग्लादेश के खिलाफ जो खेला जा रहा था टेस्ट मैच, उसको श्रीलंका ने जीत लिया है 200 समथिंग रन से। पहले इनिंग में 500 लगभग 493 रन का स्कोर बनाया था, उसके जवाब में बांग्लादेश 250 के आसपास रह गई, और फॉलो ऑन देने तो चाहिए था पर दिया नहीं बात श्रीलंका ने, क्योंकि रन इतने बचे नहीं थे। उसके बाद श्रीलंका ने पारी खेली 191 कर दिया डिक्लेयर, और फिर दिया इनको 300+ का स्कोर, जिसको बांग्लादेश के खिलाड़ी नहीं बना पाए, और 227 पे हो गए ऑल आउट, और श्रीलंका ने जीत लिया ये टेस्ट मैच। तो ये थी दोस्तों आज की बहुत ही चौथी बड़ी खबर। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही, क्योंकि प्रेडिक्शन का तो कुछ बचता ही नहीं है ना। दोस्तों मिलेंगे जल्दी, मिलेंगे, आईपीएल खत्म हुआ है दोस्तों, हमारी दोस्त नहीं खत्म हुई है, वीडियो में आती रहेंगी जाती रहेंगी, जैसे जैसे मैं एवरी मैच जैसे पहले आपको एक वीडियो जरूर मिलेगी, और एवरी मैच के बाद भी एक वीडियो जरूर मिलेगी, टेंशन नहीं लेना दोस्तों। तब तक मिलते हैं हम, तब बाय बाय, टाटा सी यू।